हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सजय डी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम वीडियो और एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें आपको हड़प्पी स्थल दिए गए हैं और स्थिति कहाँ पर यह स्थित है, इनको आपको मिलान करना है। चलिए देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता स्थल दिए हैं, कह रहे हैं कि मांडा, तो मांडा ये कहाँ पर है, तो मांडा जो है आपका कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये जम्मू कश्मीर से जाएगा। और देखिए राखी गढ़ी कहाँ है, ये आपका हरियाणा है, तो इससे चला जाएगा। कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में है, और ये दायमाबाद कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में जाएगा। तो इस प्रकार आपका देखिए कूट कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं नीचे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, नेटवर्क्स पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है, करें कि आईपी एड्रेस या एचटीटीपी या एचटीटीपीएस या डब्ल्यूडब्ल्यू, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, आईपी एड्रेस द्वारा जो है नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। अगला देखिए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है, यानी कि बाजार में अधिक तरलता, बाजार में कम तरलता, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं, या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमा राशि का जुटाव, कौन सा हो जाएगा भाई इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है, तो बाजार में अधिक तरलता। ठीक, तो देखिए रेपो दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा क्या देती है, उधार देती है। ठीक है, वर्तमान में रेपो दर कितना है, तो ये 5.90% है। ठीक है, तो रेपो दर क्या है, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देती है। ठीक है, तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी की पहचान करिए, तो इसमें देखिए कौन सा सही जोड़ी है उसी को पहचानना है। ठीक है, देखिए हवाना, यानी कि हवाना की डॉलर है, और यानी वियना की यूरो है, टिबिलिसी का बिर है, यानी कि नैरोबी का तांगे है, तो इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, वियना की जो है यूरो है, वियना की यूरो है, तो ये ऑस्ट्रिया की क्या है, राजधानी है वियना, तो उसकी जो है मुद्रा यूरो है, तो ये एकदम सही है, और ये सब आपके गलत है, ये सब आपके गलत है। देखिए क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है, और हवाना की जो मुद्रा होती है क्यूबाई पेसो होती है, क्यूबाई पेसो होती है। ठीक है, और देखिए टिबिलिसी, ये टिबिलिसी किसकी राजधानी है, जॉर्जिया की राजधानी है, और इसकी क्या होती है, जॉर्जिया लॉरी होती है, इसका करेंसी जॉर्जिया लॉरी करेंसी होती है। देखिए नैरोबी, ये केन्या की राजधानी नैरोबी है, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, इसको कहने की तांगे, तो इसका नहीं, केन्याई शीलिंग क्या होती है, केन्याई शीलिंग इसकी मुद्रा है, केन्याई शीलिंग मुद्रा है, तो तांगे ये गलत हो जाती है, एक ऑप्शन आपका बी ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कहें कि विश्व संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कहें 20 जुलाई को, 18 मई को, 1 दिसंबर को, या 8 मार्च को, बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, विश्व संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, क्या भाई, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंस है आपका 8 मार्च जो है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप कह रहे हैं कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था कौन है, इसमें कह रहे हैं कि आरसी मजुमदार, एस एन सेन, बीडी सावरकर और अशोक मेहता, कौन सा हो जाएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, बीडी सावरकर जो इन्होंने कहा था 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए 1857 की
जो क्रांति जो है मेरठ के छावनी से जो है शुरू हुई थी मंगल पांडे द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने इन्होंने विद्रोह कर दिया कि उन्हें सुअर और गाय की चर्बी का जो है कारतूस बनाने में प्रयोग किया जाता था, और जब इन्हें बंदूक में से निकाला और डाला जाता तो उसे मुँह से खींचना पड़ता था। तो ये जो है ब्राह्मण पांडे जी थे, जिस कारण से इन्होंने उस चीज़ से ऐसा करने से मना कर दिया, तो इन्हें क्या किया, तो इनको जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेरठ से शुरू होती है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। कहने कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कहने कि जावा हो जाएगा, सुमात्रा हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा या सुलावेसी हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भी सेवन का, तो कहने कि इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा, जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें गैसों के दो विशिष्ट ताप जिसके द्वारा संबंधित है, करें Cp-Cv=R/J या Cp+Cv=RJ, Cp-Cv=RJ या Cp/Cv=R, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, Cp-Cv=R/J। अगला है, करें फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, कहने की डेवी हेविड को, रेबेका ग्रिंसपन को या रेखा मेनन को या नीतू डेविड को, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, डेवी हेविड को जो है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये 1986 ईस्वी में हुई थी। आइए आगे चलते हैं, देखिए कहें कि निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, कहें यूनेस्को, CSIR या विज्ञान एवं तकनीक विभाग या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, तो कौन सी कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, तो ये यूनेस्को देता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए 2023 का कलिंग पुरस्कार किसे मिलने वाला है, तो ये गीतांजलि श्री को, और जो है डॉक्टर रमेश प्रसाद प्राण ग्रही को, या जो है कलिंग पुरस्कार 2023 का मिलने वाला है, ठीक। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा, तो किसको, गीतांजलि श्री और डॉक्टर रमेश प्रसाद प्राण ग्रही को जो है 2023 का कलिंग पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहे कि पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, कहने कि ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को या रेटर को, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर चला जाएगा, रेटर। तो पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रतिपादित करने का श्रेय रेटर को जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, चलिए 12 नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा, तो कितनी परसेंट वृद्धि दर रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा, 17.7% जो है ये वृद्धि दर रही है। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन, करें कि भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, तो ये आपका सही है एकदम, भारत का क्षेत्रफल जो है 29.3% भाग पर्वतीय है, फिर भारत का क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी आपका सही है। अगला कहने कि भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, तो कितना परसेंट है मैदानी, 43% है, कितना है 43% है। अगला कहने भारत का अच्छांसी विस्तार 0.4 मिनट से उत्तर से 37.6 मिनट उत्तर है, तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, तो ये आपका असत्य जो पूछा था। चलिए आगे चलते, अगला है, जंजी वार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है, तो ये बताइए किस देश के निकट स्थित है, कहने कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक या घाना, कौन सा हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर से हो जाएगा तंजानिया। जंजीवार तथा पेम्बा जो है द्वीप या जो है तंजानिया देश के निकट स्थित है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जंजीवार है ये जो है पूर्वी अफ्रीका के यूनाइटेड से रिपब्लिक से आपसे तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त हिस्सा है। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है यानी कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसद नहीं है तो निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है, बताइए कितना करता है। कहें कि कला और साहित्य का, विज्ञान का, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन पे आंदोलन होगा, कौन सा हो जाएगा। तो उपयुक्त तो क्या हो जाएगा, सही डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। या जो है कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/6 जो भाग जो है या जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत कर सकता है। ठीक, तो इसका नंबर वे किस क्षेत्र से होंगे, कला और साहित्य क्षेत्र से होंगे, विज्ञान क्षेत्र, सामाजिक सेवा, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से होंगे। तो उपयुक्त इसमें डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है आर्टिकल 150 के द्वारा ये जो है राज्यपाल जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये जो है राजपाल जो है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे डी नंबर इसका सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, कहेंगे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी। तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो बी नंबर से हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, यानी कि 14, 12, 13 या 15, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, जो है फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है। करें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, बी नंबर का 6.5%, सी नंबर 6.6% या 6.7%, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 6.5% जो है अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित की गई है 6.5%। यानी कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है, यानी बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव से या वैष्णव से, तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित। तो कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी जो स्थल है वह जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला है कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है, यानी फुटबॉल के, गोल्फ के, बैडमिंटन के या क्रिकेट के, तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर चला जाएगा, राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से संबंधित है। कहने की राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, कहने किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा या किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा या किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा या किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ की राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगला, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कहने की रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद, रानोजी सिंधिया या काशी नरेश, कौन सो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर से हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई जो है वाराणसी स्थित वर्तमान में जो है विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला है, स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, यानी बलिया से, आजमगढ़ से, अमरोहा से या बरेली से, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, अमरोहा से, कहाँ से है, अमरोहा से है। तो ये जो है अपने ही परिवार के सदस्यों को, इसने 7 लोगों को जो है कुल्हाड़ी से काट कर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक, तो इस प्रकार इसे जो है या जो है
फांसी की सजा पाने वाली जो है पहली महिला बन गई है। ठीक, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। यानी कि टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, 44A+XO। ठीक, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्त्री आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक्स क्रोमोसोम को क्या हो जाते हैं, गायब हो जाता है। ठीक, उसी को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगला है, कहने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है, तो किसके आधार पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, पी नंबर से हो जाएगा, 5+3+3+4 जो है ये नई शिक्षा नीति जो है विभाजित की गई है। देखिए आप जो है शिक्षा पर जो है जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आप देखिए ये जो है 34 साल बाद नई शिक्षा जो नीति लागू हुई है, या 34 साल बाद जो है यह लागू हुई है। ठीक है, लागू अब तक जो है नई शिक्षा नीति में कितनी बार परिवर्तन हुआ है, तो 3 बार हो चुका है। पहले कब हुआ था, 1968 में, फिर 1986 में, 1986 में, फिर कब हुआ है, 2020। ठीक, तो इस प्रकार जो है आपकी 3 जो है नई शिक्षा नीति में परिवर्तन आया, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, सुहास एल वाई जो है टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए रजत पदक जीते थे, ये कौन कैसे खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ये कहाँ के हैं, सुहास एलवाई, तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ये हैं, नगर के रहने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कह रहे कि मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, बताइए, यानी 2022 तक, 2024 तक, 2023 तक, या 2025 तक, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, 2023 तक जो है मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग जो है का निर्माण तैयार हो जाएगा। अगला है, यानी कि गोवा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है, यानी प्रत्येक घर में या खुले में शौच, तो प्रत्येक घर में यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ जल हो जाएगा। ठीक है, हर घर जल, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, तो 28 का नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा, वह जो है हर घर जल में प्रथम स्थान पा गया और खुले में शौच मुक्त। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करण निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, करें कि शोभना नारायण, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, या रागिनी देवी, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। तो ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ के भी, तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी कैसे याद रखेंगे कि आधी पकी हुई है पुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी सही सुमेलित है, सही सुमेलित वाला आपको बताना है। चलिए, कन्याकुमारी सितार से, मीता पंडित घट्टम से, निखिल बनर्जी कर्नाटक गायन से, या बाल मुरली कृष्ण वायलिन से, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सुमेलित है, बाल मुरली कृष्ण जो है वायलिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कहने की पंचांड नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी व्यास गद्दी और महर्षि दधीचि का तप स्थल किस जनपद का प्रमुख दर्शनीय स्थल है, कहें एटा, सीतापुर, प्रयागराज, या आगरा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर चला जाएगा, सीतापुर।
अगला है, कहने की भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है? कहने लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में या कानपुर में? कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर चला जाएगा, ये कहाँ है? लखनऊ में। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो है लखनऊ है। अब तक भारत में कुल कितने हैं? ये 20 हो चुके हैं। कितने? 20 हो चुके हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक, तो देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है भारत के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान है। प्रबंधन संस्थान के अतिरिक्त ये जो है अनुसंधान व सलाह का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तीर्थ स्थल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको सत्य नहीं बताना है। तो देखिए, कहने चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका सही है। कह रहे हैं कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे, तो ये भी आपका सही है, नहीं वाला आपको बताना है। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था, तो ये भी आपका सही है। तो आगे देखते हैं, कहने की हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है, तो यही आपका गलत है। तो यही आपको असत्य बताना था, तो आपका सत्य नहीं है, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, कहने की इनमें से सुमेलित, देखिए नहीं, सुमेलित वाला नहीं बताना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, विश्व ओजोन दिवस सही है, कह रहे हैं कि विश्व कैंसर दिवस 1 जनवरी को, तो यही आपका सही हो जाएगा, नहीं वाला पूछा है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी वरी को मनाया जाता है, तो इस प्रकार का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, मोरबी पुल घटना किस राज्य में घटी थी? तो मोरबी पुल घटना कहाँ घटी थी भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? पी नंबर चला जाएगा, गुजरात में। देखिए मोरबी पुल घटना जो है, या जो है 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी नामक शहर में मच्छू नदी पर बने पुल टूटने पर हुआ था, जिसमें लगभग 141 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, गुजरात में। अगला है, कहने की भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कहने गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर से हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी जो है, यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? कहने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सरकार जो है ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है। ठीक है, देखिए कर्नाटक के जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं वे कौन है? सिद्धारमैया। तो सिद्धारमैया जो है, ये जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला है, कहने कि एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना, अरे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, हरियाणा ने किया है। किसने किया है? तो हरियाणा ने। तो एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना जो है, ये हरियाणा जो है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है छोटे उद्योगों को क्या करना है? सही, प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देने के लिए यह जो है एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना शुरू की गई है। अगला है, करें कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान पर है? कौन सा हो जाएगा? करें 140वां, 121वां, 141वां या 135वां? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर से चला हो जाएगा, 135वां स्थान। तो वैश्विक शांति सूचकांक के जो है भारत में जो है 2022 में भारत जो है 135वें स्थान पर रहा है। ठीक, तो इसका आपका कौन सा जाएगा? डी नंबर चला जाएगा। देखिए आइसलैंड जो है यहाँ इसमें पहले स्थान पर रहा, आइसलैंड जो है प्रथम
स्थान पर रहा। और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए, 162 देशों में, 162 देशों में भारत का जो है यहाँ पे 135वां स्थान रहा। अगला देखिए, यानी कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन से किस देश से संबंधित हैं? तो जैस्मिन से हैरिसन किस देश से संबंधित है, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से या ब्रिटेन से? कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर चला जाएगा, ब्रिटेन से। तो ये जो है ब्रिटेन से संबंधित हैं। ठीक ठीक, ये एक बेसिस क्या थी, शिक्षिका हैं या जो है सबसे युवा महिला भी है। ठीक है, इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य है। तो अच्छा, आकांक्षा पोर्टल कौन है, कहने कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गोवा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, कर्नाटक है। तो आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। देखिए, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बी एस मेदियुरप्पा जो है, ये आकांक्षा नामक का एक पोर्टल लॉन्च किया। यह जो है कर्नाटक में सभी कॉरपोरेटेड सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर विवरण प्रदान करेगा। ठीक है, यह जो है कर्नाटक में सभी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर विवरण प्रदान करेगा। तो इसका आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य है। देखिए, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है या मिजोरम, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक, देखिए, इसका उद्देश्य है कि यह शिक्षण संस्थानों में अपने छात्रों के डेटा को सुरक्षित करने की ये अनुमति देगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने उर्वशी किस कवि की रचना है? उर्वशी किस कवि की रचना, कहने रामधारी सिंह दिनकर की, हरिवंश राय बच्चन की या मुक्तिबोध की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उर्वशी की रचना। अगला है, कहने चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन सा देश इसमें जो है शामिल नहीं है? देखिए, इसमें आपके चार देश शामिल हैं, जिसे I2U2 को इस पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए भारत शामिल है, भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, या जो अमेरिका द्वारा यह गठित एक समूह है। ठीक, तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा देश नहीं शामिल है, तो देखिए भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, तो आपका एक ही बचा, यूक्रेन नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है, यूक्रेन जो है इसमें शामिल देश नहीं है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, यह 2021 में हुई थी, 2021 में जो है इसका गठन किया गया था, अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य है पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार एवं निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करना। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर आपका सी, यूक्रेन जो है इसमें शामिल नहीं है। चलिए, अगला है, कह रहे कि टीके का नाम या देश, टीके का नाम और आपको बताना है देश, यानी कि देखिए सुमेलित अब इसमें कौन नहीं है ये बताना है, यानी कि मॉडर्ना देखिए अमेरिका, तो ये आपका सुमेलित है, कोरोना बैंक चीन, ये भी कोविशील्ड भारत नामक इसकी खोज टीके बने हुए थे, और ये है कि किस किस देश ने खोजा है, तो करें फाइजर्स बायोटेक, करें कि फ्रांस, यही आपका सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, या जो है अमेरिका ने खोजा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टीका जो है COVID-19 के लिए है, इसलिए यहाँ पर डी नंबर जो है गलत, सुमेलित है। अगला है, कह रहे हैं कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, करें 37वें, 25वें, 40वें या 52वें, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर जो है भारतीय स्पर्धा जो में सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना है, 37वां स्थान है। देखिए भारत ने जो है 33वें स्थान से इन्होंने 37वां स्थान जो है पर पहुँच गए हैं, तो सुधार हुआ है इसमें, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कौन सा
फुटबॉल खेल का है, तो इसमें फुटबॉल खेल का पूछ रहे हैं कौन, कहने की स्ट्राइकर है, पेनाल्टी किक है या स्वीपर है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, मेमोरिया द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मेमोरिया द्रागी जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कहें इटली के, केन्या के, मालदीव के या स्वीडन के, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ये जो है इटली के जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, मतलब हो गया है ठीक, तो कहें कि ब्राजील में, भारत में, कतर में या फ्रांस, तो ये कहाँ आयोजन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, भारत में, कहाँ पर, भारत में जो है इसका आयोजन 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। यह जो है इसका 7वां संस्करण 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। और इसकी इसका विजेता कौन है, देखिए कोलंबिया को हराकर स्पेन ने दूसरी बार, तो ये स्पेन इसका विजेता रहा, तो किसको हराया था, कोलंबिया का, कोलंबिया को हराकर इसने, स्पेन ने यह दूसरी बार जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है, ठीक। आइए अगला देखते, अगला कहने चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कहने की रमेश सिंह है, सुभाष कश्यप हैं, राम बहादुर राय हैं या अमित यादव हैं, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, राम बहादुर राय, राम बहादुर राय हैं, ठीक है। तो इसका जो है लोकार्पण नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया था, नई दिल्ली में किया था, तो इसलिए यह क्या हो जाती है, ये जो है संविधान को बहुत सरल शब्दों में इन्होंने इसको इसमें समझाया है, तो इसलिए यह जो है चर्चा में रही है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो आशा करता हूँ ये पसंद आए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।